हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैटी आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इस चैनल पे हम लोग डीआईवाई बनाते हैं वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके। तो आज भी हम एक डीआईवाई बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो मेरे पास ये एक सोप ट्रे पड़ा था काफ़ी पहले से, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज़ करके एक डीआईवाई बनाया जाए। तो मैं इसका यूज़ करके एक वॉल डेकोर बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये सोप ट्रे लिया है और कुछ मैं ये ट्री की ब्रांचेस कटहर के लाई हूँ, इस डीआईवाई में यूज़ करेंगे इनका भी। और कुछ मेरे पास और थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल पड़ा था जिसको इसमें हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो ट्रे है ये काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो इसको फिनिश करने के लिए, थोड़ा सा साफ़ सुथरा करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्रिलिक वॉल पुट्टी का यूज़ किया है इसके चारों कोनों पर, और मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से सूखने देंगे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक्रिलिक कलर अप्लाई किया है वाइट कलर में, और इसे भी हम अच्छे से सूखने देंगे। उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मेरे पास शेप्स देख रहे हैं, ये मैं जब भी मैं कोई डीआईवाई बनाती हूँ तो मेरे पास जो लेफ्ट ओवर क्ले होता है बच जाता है, तो मैं उसका इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना के रख लेती हूँ। तो आज इन्हें भी हम इस डीआईवाई में यूज़ करेंगे। तो इन लकड़ियों का यूज़ करके इनको इसके ऊपर हम कुछ इस तरह से पेस्ट कर देंगे ताकि ये एक पेड़ का शेप ले ले। तो सबसे पहले मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से इन लकड़ियों को अपने हिसाब से, जैसे भी मुझे यहाँ पे आइडिया आता जा रहा है, मैं इसके ऊपर पेस्ट करती जा रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आप बनाना चाहते हैं उसी तरीके से इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का वुड ट्रे नहीं है तो आप इसके बदले कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं और उसको इस शेप में कट करके उसके ऊपर वॉल पुट्टी लगा के और उसको ड्राई करके उसके ऊपर भी ये बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी जितनी भी मैंने ब्रांचेस इकट्ठी करी थी उनको यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है, जैसे भी मुझे समझ आया। मैंने यहाँ पे एक ट्री बनाया है तो, और नीचे एक उसकी लंबी सी स्टेम बना दी है जिसके ऊपर हम लोग जो ये शेप्स हैं इनको इसके ऊपर चिपकाएंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे जो भी मेरे पास वेस्ट मटेरियल पड़ा था वो सब मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है। ये जो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ये जो बॉल्स चिपकाई हैं, ये जब आपके पास कोई बुके आता है तो उसमें ये छोटी छोटी सी बॉल्स कभी कभी लगी हुई होती हैं डेकोरेशन के लिए, तो मैंने उनको संभाल के रख लिया था। तो मैंने यहाँ पर ये भी चिपका दी है। अब हम ये जो शेप्स मैंने बनाई हैं अब इनको इसके ऊपर असेंबल करेंगे। तो ये मैंने ये शेप्स जो बनाई हैं इससे हम कैट भी बना सकते हैं और या फिर कोई ह्यूमन बॉडी भी बना सकते हैं। तो मैं इसको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा शेव कर लूँगी इसको, क्योंकि मुझे इसको इसके ऊपर एडजस्ट करना है, इसलिए मैं इसकी साइडों से थोड़ी बहुत कटिंग कर रही हूँ और जो भी मुझे शेप चाहिए उसको शेप दे रही हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से शेप दे दिया है और अब इसको शेप देने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक कैट्स का लुक दे रही हैं। तो मैंने यहाँ पे दो कैट चिपकाई हैं, कपल कैट। तो मैं ये एक कपल डीआईवाई बना रही हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये क्ले लिया है और उसको मैंने कटर की हेल्प से कट कर लिया है हार्ट शेप में। तो मैंने यहाँ पे दो हार्ट कट किए हैं। अब मैं इसको भी इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी और उसके बाद जो मैंने ये कैट्स की शेप बनाई है इसको भी हम ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। ग्लू गन का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये अच्छे से इससे स्टिक हो जाएगा। तो आप किसी भी अच्छे स्ट्रॉन्ग एडहेसिव के साथ इनको इसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। उसके बाद मैं कलरफुल क्ले लेके छोटी छोटी सी लीव्स बना लूँगी, उनको भी इस पेड़ पे स्टिक कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक दे। तो मैंने छोटी छोटी सी लीव्स बना के इसके ऊपर चिपका ली हैं कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। और थोड़े बहुत मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर्स भी बनाए हैं। उसके बाद मैंने क्ले लेके, ब्राउन कलर का क्ले लेके इसके चारों तरफ एक ब्रिक की शेप दी है, जो राउंड राउंड सी ब्रिक होती है ना, उस शेप में मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है। और इसके इससे हमारा एक फ्रेम बन जाएगा प्रॉपर और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरह से क्ले लगाने से। तो अब हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। कलरिंग सबसे पहले मैंने जो स्टेम्स हैं, ट्री ब्रांचेस हैं, जो वो बहुत डल लग रही थी, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउन कलर अप्लाई कर दिया है ताकि ये थोड़ी सी ब्राइट हो जाए और अच्छी लगे। और बाकी मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत हल्का फुल्का शेड भी दे दिया है इसके ऊपर। तो अब मैं इसके फ्रेम पे बाहर आउटलाइनिंग जो दे रही हूँ वो ब्लैक कलर से दे रही हूँ। बाद में मैं इसके ऊपर कोई भी मेटालिक कलर अप्लाई करूँगी ताकि ये काफ़ी अच्छा सा ब्राइट लुक दे।
और प्रॉपर फ्रेम लगे कि हमने एक फ्रेम के अंदर ही ये सारा आर्टवर्क बनाया है। तो अब मैं इस बाकी सबको भी कलर कर लूँगी। तो आप यहाँ पे अपने 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 फेवरेट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक जो कैट है उसके ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई किया है, दूसरे वाले पे येलो, लाइट येलो अप्लाई किया है। तो अभी से ये काफ़ी सुंदर दिखने लग गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अब मैं इसको बाकी भी कलर कर लूँगी अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही लाइट सा येलो यूज़ किया है, काफ़ी लाइट कलर यूज़ किया है, तो मैं उससे इसके बेस पर शेडिंग दे रही हूँ, कहीं कहीं पर वाइट और कहीं कहीं पर येलो से। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से पूरा कलर कर लेंगे। तो जैसे जैसे ये कलर होता जा रहा है, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और आपके कमेंट करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आगे से जो भी DIY बनाऊँ उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो अब हम इसकी मुस्टैचेस बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ किया है। तो ये कैट दोनों बैठी हैं, और मतलब मैंने इनकी बैक साइड बनाई है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरह से डेकोरेट किया है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर फीचर्स भी बना सकते हैं, बट मैं वो बनाना नहीं चाहती थी। तो इट्स टोटली अप टू यू, इफ़ यू वांट यू कैन डू इट एज़ पर योर चॉइस। तो अब मैंने इसको इसके चारों तरफ मेटालिक कलर भी अप्लाई कर दिया है और इसको कंप्लीट कर दिया है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने यहाँ पर ये कटर से लव कट करके भी चिपका दिया है। ये चिपकाने के बाद और भी अच्छा लगने लग गया है। तो ये अब कम्प्लीट हो गया है, और लास्ट में मैंने इसके ऊपर वॉर्निश अप्लाई करी है। और वार्निश अप्लाई करने के बाद ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।